हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं एंड दैट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द सारे स्पेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, राइट। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज अ क्लिपिंग विंडो V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 एंड V8, टोटल 8 वर्टिसेस आर देयर एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लिपिंग विंडो टोटल 8 एजेस आर देयर, राइट। और वैसे भी आप देख रहे हो तो इस पूरे के पूरे विंडो में ये कोई भी रेक्टेंगुलर विंडो ना होगा, ये नॉन रेक्टेंगुलर विंडो है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर विंडो में तो हम नॉर्मली अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते ही आए, बट जो सारे स्पेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में जो खास बात वही है कि ये नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो पर भी काम करता है। That's why I have to take in this particular clipping window, ठीक है। Against this clipping window, there is a line P1, P2 whose coordinate is 0, 2 and 5, 4 and we have to clip this line against this clipping window, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, जो एल्गोरिथम है सारे स्पेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम जो है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैंने रीड किया, दैट इज P1, 0, 2 एंड P2, 5, 4। और सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि यू हैव टू रीड आउट द टोटल 8 वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स। तो वो मेरे पास V1 से लेके V8 तक के कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। थर्ड स्टेप ये कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। तो डी हमारे पास क्या है कि हमने निकाला डी इज इक्वल टू क्या था, डी की वैल्यू क्या थी, P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 माइनस P1 का मतलब हो गया, ये हमारे पास आ गया 5, 4 माइनस 0, 2। तो ये वैल्यू निकल गई मेरे पास, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि निकालना है मुझे N की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब N कैसे, देखो जितने भी हमारे पास एजेस हैं, ठीक है, सारी की सारी एजेस के कोरेस्पॉन्डिंग मुझे F चाहिए, यानी कि जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है F चाहिए और उन्हीं के कोरेस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, एक इनर नॉर्मल वेक्टर N चाहिए। तो टोटल मेरे पास कितने एजेस है, टोटल मेरे पास है 8 एजेस है, ठीक है। तो 8 एजेस के कोरेस्पॉन्डिंग मुझे 8 N चाहिए, यानी कि जो आपके पास इनर नॉर्मल वेक्टर है N, उसकी वैल्यू चाहिए और उसके बाद उसके कोरेस्पॉन्डिंग मुझे F की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करना है, आप ये इस तरह का एक चार्ट बना लेना, इस तरह का एक टेबलर फॉर्म बना लेना और उसी टेबल में हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें फिल करनी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे पास सेकंड कॉलम में हमारे पास वैल्यू ऑफ एन चाहिए। तो एन के लिए सबसे पहले आपने पहली एज कौन सी है, V1, V2। तो V1, V2 क्या है, V1, V2 ये वाली एज है, ठीक है। अब इस एज पर मुझे नॉर्मल इनर नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो वो देखो कैसे दिया है, ये एज कुछ इस तरीके से मेरे पास इस तरीके से है। तो इसका अब ये जो इनर साइड की वैल्यू, मैं मान लेता हूं कि ये कुछ इस तरीके का है, ये रहा इनर साइड में, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसे है, एक्स और वाई, ठीक। तो अब देखोगे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे तो इस नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर इतना चलना पड़ रहा है, और वो क्या है, आप प्लस एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जा रहा हूं, ये मेरे पास कितना हो गया, प्लस एक्स हो गया। सेम क्या है कि आप वाई एक्सिस पर इतना चल रहे हो, ये आपके पास क्या है, प्लस वाई चल रहा है, यानी कि आप अपर साइड में जा रहे हो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल एक्सिस में, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो आप, राइट। तो उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस वाई, और यहां पर नीचे क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आप आगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो यहां पर मुझे एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस एक्स। सो ये जो इस लाइन पर, यानी इस एज पर जो नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इनर, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, प्लस एक्स कॉमा प्लस वाई, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो हमने इसकी वैल्यू क्या लेके चला, 1, 1, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास इसकी नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, 1, 1, ठीक है। अब बात करते हैं एफ की, एफ क्या होगा कि एफ उस लाइन पर, यानी कि इस लाइन पर यहां से लेकर यहां तक आप क्या कर सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर सकते हो, मतलब कहने का ये कि या तो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, या इन दोनों का एक इंटरमीडिएट पॉइंट हो सकता है, कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट हो सकता है V1 से लेकर V2 के बीच में। बट सजेशन ये है कि आप एक किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव एजेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या एडजेसेंट पॉइंट है जो कॉमन है, उसी को आप एज एफ चूज करो, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाती है। उसका मतलब कहने का है कि अगर मैं इस पॉइंट को चूज करता हूं एज एफ, तो वो इस एज के लिए भी कॉमन पॉइंट है और इस एज के लिए भी कॉमन पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, एफ के लिए V2 चूज करूंगा। तो एफ, तो V2 का कोऑर्डिनेट कितना है, V2 कोऑर्डिनेट 2, 1, तो मैंने यहां पर लिखा 2, 1, ठीक है।
नाउ द वैल्यू ऑफ डी, डी मैंने यहां पे निकाला हुआ, दैट इज 5.2, ये निकल गया। अब बात करते हैं डब्ल्यू की, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डब्ल्यू निकालना है। पहले इसको हटा देते हैं यहां से। अब मुझे यहां से डब्ल्यू चाहिए, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन माइनस एफ। तो पी वन की वैल्यू कितनी है, ये रहा मेरे पास, पी वन की वैल्यू 0.2 और माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी हमने चूज किया, 2.1। ये कितना निकल के आएगा, देखो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के 2.2 - 1 दैट इज 1। ये मेरे पास आया माइनस टू कॉमा वन। इसको मैच भी कर लेता हूं जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया माइनस, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू डॉट एन की, तो डब्ल्यू डॉट एन, तो डब्ल्यू मेरे पास ये निकला, ठीक है, तो मेरे पास आया डब्ल्यू डॉट एन इज इक्वल टू माइनस 2.1 डॉट, एन की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, 1.1 निकाला था मैंने, तो 1.1। ये कैसे निकलेगा, तो माइनस टू, देखो मुझे यहां पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन क्रॉस वन, वन क्रॉस वन, ये कितना निकलेगा, तो माइनस टू वन जो वन दैट इज माइनस टू प्लस यहां से वन आएगा, तो कितना आएगा, यहां पर मेरे पास आया माइनस वन, तो डब्ल्यू डॉट एन कितना आया मेरे पास, माइनस वन, करेक्ट। ना अब हमें क्या कहिए, डी डॉट एन चाहिए, डी डॉट एन, तो d की वैल्यू कितनी निकली थी मेरे पास, d निकला था 5.2 और डॉट n हमारे पास कितना था, 1.1। देखो n हमारे पास ये है और d हमने निकाला था 5.2, इसको सॉल्व करें, देखो तो 5 into 1 प्लस 2 into 1, ये कितना निकला, ये 5 + 2 दैट इज 7, तो मेरे पास यहां कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं TL और TU की, तो अब उसमें मैंने आपको एक लास्ट में एल्गोरिथम के जो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब लास्ट से पहले वाला जो पॉइंट था उसमें ये था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट दी टी अपर एंड टी लोअर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, एक हमारे पास क्या था, टी के लिए क्या निकल गया था, टी इक्वल टू था माइनस डब्ल्यू आई डॉट एन आई अपॉन डी डॉट एन आई, तो यहां से हमारे पास क्या है कि t की लोअर और अपर वैल्यू, यहां से कैसे पता करेंगे हम, देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू d डॉट n की जो वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है तो उस केस में निकलेगा मेरे पास t की अपर वैल्यू निकलेगी, कब, व्हेन d डॉट n इज लेस देन जीरो, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ t अपर, यानी कि t की अपर लिमिट मिलेगी मुझे, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो मुझे t की लोअर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे चेक करते हैं, हमारे पास dn, dn कितना निकला, d dot n is greater than 0, तो greater than 0 के केस में मुझे क्या मिलेगा, t lower मिलेगा, तो t lower मिलेगा, तो t upper के लोग मैं यहां पे डैश कर देता हूं, तो t lower चाहिए मुझे, तो यहां रख के देखो w dot n, तो w dot n की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, और उस पर नीचे क्या लिखा है, d dot n, तो माइनस वन अपॉन सेवन, ठीक है, ये हमारे पास आया माइनस माइनस वन अपॉन सेवन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास कितना आया, 1/7, ठीक है, पहली रो कंप्लीट हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ना बात करते हैं क्या हमारे पास V2 V3, यानी कि V2 V3 ये वाली एज की बात करते हैं, ठीक है, तो जरा इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमें बार बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया फॉर एज V2 V3, तो V2 V3 के केस में हमारे पास n चाहिए सबसे पहले, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो हमारे पास ये V2 V3 एज हमारे पास कुछ इस तरीके से है, अब मान लो कि हमारे पास ये जो आपका पॉलीगन होगा, पॉलीगन कुछ इस तरीके से, हमारे पास इसका अंदर नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास ऐसे है मान लीजिए, तो उस केस में हमारे पास देखो इस वेक्टर को, इनर नॉर्मल वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आप एक्स डिस्टेंस पर कितना चल रहे हो, कोई मूवमेंट है एक्स डायरेक्शन पर, कोई मूवमेंट नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक्स की जगह पे हो गया मेरे पास 0। बट अगर आप वाई को देखोगे तो यहां तक वाई डायरेक्शन में आप अपर साइड में मूव कर रहे हो, ठीक है, अपर साइड में मूव करते समझता है कि वाई की वैल्यू प्लस वाई से मूव कर रहे हो, तो यहां पर वाई की वैल्यू प्लस वन, तो आपके पास कॉम्पोनेंट वैल्यू कितने आएगी, 0.1 आएगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहां पे, 0.1 फॉर V2 V3, ये हो गया, ओके।
अब क्या हमें चाहिए, एफ चाहिए। अब एफ मैंने क्या बोला था, कॉमन पॉइंट जो हमने चूज किया था। अब हमारे पास एफ ये वाला कॉमन पॉइंट था बी टू बी थ्री के लिए। आप इसको भी चूज कर सकते हो या फिर इसको भी चूज कर सकते हो या फिर इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था कि इट इज अ बेटर टू चूज द कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट क्या था, वी टू। वी टू कितना मेरे पास, 2.1। ठीक है, अब ये वी टू के केस में हमारे पास देखो डी तो हमारे पास 5.2 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है हमेशा के लिए, डी हमारा 5.2 है। तो डब्ल्यू निकलेगा, डब्ल्यू फिर यही निकल के आएगा 2.1 -2.1। क्यों, क्योंकि इस दोनों के केस में क्या था, ये हमारे पास था। इसीलिए मैंने बोला था कि आप एक कॉमन पॉइंट चूज कीजिए जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। नाउ अब बात करते हैं इसका डब्ल्यू डॉट एन। तो यहां से डब्ल्यू डॉट एन क्या निकलेगा, डब्ल्यू कितना निकला मेरे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू -2.1 -2.1 एंड एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.1 0.1। ये क्या निकलेगा, -2×0 ये कितना, -2×0 +1×1 ये कितना निकला, ये तो 0 हो गया, 1 क्या मतलब यहां पे 1 है। तो ये हमारे पास आया 1, डब्ल्यू डॉट एन इज 1। अब निकालेंगे डी डॉट एन, तो डी डॉट एन डी कितना, डी मेरे पास है 5.2 और एन कितना 1.1 सॉरी एन हमारे पास 0.1 ये कितना निकलेगा, तो 5×0 कितना हुआ 0 +2×1 दैट इज 2। तो हमारे पास देखो 5×0 +2×1 ये कितना निकला, ये 0 हो गया, यहां बचा 1, हमारे कितना निकला 2। तो ये मेरे पास आ गया 2। ठीक है, इसको देख लेते सही है कि नहीं, यस करेक्ट। तो हमारे पास 2 आ गया। अब बात करते हैं देखो, अब हमारे पास dn, dn की वैल्यू फिर से क्या ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे क्या चाहिए यहां से मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 का केस का मतलब हो गया कि हमें टी अपर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, टी लोअर मिलेगा। तो यहां से क्या लेगा, टी लोअर इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट एन अपॉन डी डॉट एन, ये निकालेंगे। तो डब्ल्यू डॉट एन की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू डॉट एन इज 1, ये माइनस था, तो -1 अपॉन डी डॉट एन इज 2। तो ये कितना लिखेगा, -1/2, तो ये कितना है मेरे पास, -1/2। सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब ये भी क्लियर हो गया। अब इसको फिर से हटा देते हैं। अब क्या चाहिए मुझे, फॉर एज V3 V4, यानी कि ये वाली चाहिए V3 V4। तो V3 V4 के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा n। तो हमारे पास V3 V4 क्या है, ऐसे कुछ करके है, और ये पॉलीगन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर ये है, और हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होगा। ये आप नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका ध्यान से देखें, क्योंकि इस अगर ये आप निकालना नहीं सीखोगे तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो आप देखो ये हमारा क्या है, ऐसे ये ऐसे चल रहा है। तो यहां से इसको ड्रॉ करने के लिए आप एक्स का मूवमेंट और वाई का मूवमेंट ध्यान से देखना। तो एक्स का मूवमेंट देखो, ये ऐसे चल रहा बैक डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, ये कितना मेरे पास है, ये -x होगा, -x से आप मूव करोगे। लेकिन जब y की बात करोगे तो y डायरेक्शन पर आप ऐसे आएंगे, अपर साइड में मूव कर रहा है, वो क्या मेरे पास +y से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये कि x पर तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, मगर y पर आप क्या है, वर्टिकल में क्या कर रहे हो, +1 से मूव कर रहे हो। तो इसका कॉम्पोनेंट क्या निकलेगा, कॉम्पोनेंट आएगा मेरे पास x का क्या है, -x और +y, ये निकलेगा -1, y। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे, -1, 1। तो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, 1 निकल गया। अब मैं एफ चाहिए मुझे, तो एफ क्या हमारे पास, क्या लाइन का हमारा V3 V4। ठीक है, तो अब V3 V4 के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट और इस दोनों एजेस का एक कॉमन पॉइंट यूज करूंगा। तो ये वाला पॉइंट मेरा इसका एज के लिए भी काम आ जाएगा और ये वाला पॉइंट मेरा इस एज के लिए भी काम आ जाएगा। तो क्या करूंगा, V4 को चूज करूंगा एफ के लिए। तो हमारे पास V4 की कहानी क्या है, V4 इज 4.2 अब क्या चाहिए मुझे, D। तो देखो यहां से D निकालेंगे, तो D तो हमारे पास निकला, D था 5.2, तो 5.2 इज D। अब हमें चाहिए W, तो W इज इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू P1 माइनस F। तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 इज 0.2 माइनस F। F कितना निकला मेरे पास, F है 4.2। ये कितना निकलेगा, देखो 0 - 4 कितना आया, -4, 2 - 2 = 0, तो -4.0 आया, तो -4.0 ये मेरे पास आया W की वैल्यू।
अब मुझे क्या चाहिए डब्ल्यू डॉट एन, तो डब्ल्यू डॉट एन, तो डब्ल्यू कितना है माइनस फोर कॉमा जीरो और एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन, ये कितना निकलेगा देखो माइनस फोर, माइनस फोर क्रॉस माइनस वन प्लस जीरो क्रॉस वन, ये कितना निकलेगा देखो माइनस फोर कॉमा माइनस दैट इज फोर और प्लस वन कॉमा जीरो दैट इज जीरो, तो हमारे पास क्या हुआ ये आया फोर आएगा इसके लिए, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया फोर। और d डॉट n निकालेंगे तो d डॉट n, तो d डॉट n की वैल्यू कैसे निकलेगी, d कितना मेरे पास 5.2 और n की वैल्यू कितनी माइनस वन कॉमा वन, ये कैसे निकलेगा 5 इंटू माइनस वन प्लस 2 इंटू वन, ये कितना निकलेगा तो 5 इंटू वन दैट इज माइनस 5 और प्लस 2 तो कितना आ गया माइनस वन माइनस के 3 आ गया, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 3। अब क्या चाहिए मुझे देखो d डॉट n क्या हुआ, d डॉट n इज लेस देन 0, लेस देन 0 कैसे क्या मिलेगा मुझे अपर केस मिलेगा यानी कि t की अपर वैल्यू मिलेगी, तो यहां पे मैं t की लोअर वैल्यू कर देता हूं डैश और t की अपर वैल्यू यानी कि tl इज इक्वल टू माइनस w डॉट n अपॉन d डॉट n, तो ये क्या निकलेगा w डॉट n, w डॉट n कितना है 4 तो माइनस ये 4 और अपॉन ये है माइनस के 3, ये कितना आ गया मेरे पास 4/3, तो ये निकला मेरे पास 4/3। वैसे भी क्या है कि हमारा ये इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू टी की जो रेंज है 0 to 1 उससे बाहर आ रही है, तो इसको मैं यहां पे नेग्लेक्ट कर दूंगा, यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर एज, थोड़ा इसे हटाते हैं, फॉर एज v4 v5 हमारा कौन सा है v4 v5, तो यहां पर देखोगे ध्यान से देखो तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, n की वैल्यू यहां से निकलेगी देखो क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है, इसका इधर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इधर की साइड में होगा, तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो आप x की तरफ नेगेटिव में मूव कर रहे हो, तो ये प्लस माइनस सॉरी नेगेटिव में मूव कर रहे हो, यहां पर x की जो वैल्यू होगी क्या होगी माइनस वन क्योंकि आप नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो, बट y पर आप कोई मूवमेंट नहीं है, y पर कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब यह होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन कॉमा जीरो, एन की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो। नाउ f, f तो हम ही ले लेंगे जो उसका कॉमन पॉइंट था, कॉमन पॉइंट क्या था 4.2। अब क्या करेंगे d, d हमारे पास निकला होगा 5.2, अब ये निकालना है w, तो w इज इक्वल टू हमारे पास क्या है p1 माइनस f, तो p1 की वैल्यू कितनी आई p1 है 0.2, 0.2 माइनस f, f कितना हमारे पास 4.2, 4.2 ये कितना निकला मेरे पास 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4 और यहां कितना आ गया 0, ये कॉमन ही निकलेगा माइनस 4.0। अब बात करते हैं w डॉट n की, तो w डॉट n क्या निकलेगा, w डॉट n हमारे पास होगा w कितना निकला माइनस 4.0 और डॉट n की वैल्यू कितनी है माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, ये कितना निकलेगा ये होगा मेरे पास माइनस 4 इंटू माइनस वन प्लस जीरो क्रॉस जीरो, ये निकलेगा आपके पास 4, यहां से हमारे पास ये वैल्यू भी आई 4, ठीक है। अब निकालेंगे हम d डॉट n, तो d डॉट n की वैल्यू कितनी निकलेगी, d कितना है 5.2 और n कितना है हमारे पास माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, ये कितना निकलेगा देखो 5 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस 5 और ये 0 होगा तो हमारे पास कितना है माइनस के 5, ये निकला मेरे पास माइनस 5, ठीक है। अब क्या है कि ये फिर हमारे पास क्या है वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 केस में क्या होगा मेरे पास t लोअर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा t अपर निकलेगा, तो जब t अपर निकलेगा तो t अपर की वैल्यू निकलेगी ऐसे tu इज इक्वल टू माइनस के w डॉट n अपॉन n डॉट d, तो मेरे पास माइनस w डॉट n कितना है, w डॉट n निकला मेरे पास 4 अपॉन ये आपके पास आ गया माइनस 5, ये हो गया 4/5, तो मेरे पास ये आया 4/5, ठीक है। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं, अब मेरे पास कौन सी एज होगी, अब एज होगी मेरे पास v5 v6, तो v5 v6 कौन सी एज होगी v5 v6, अब यहां पे ध्यान से देखो ये एज मेरी कुछ इस तरीके से है, तो यहां पर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा ऐसे होगा, देखो ऐसे देखो नॉर्मल वेक्टर ये होगा, और इस केस में क्या होगा आप देखो इसको ऐसे करने के लिए मेरे को देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और ऐसा कुछ करके हमारा पॉलीगन होगा,
तो यहां पर आपको मूव करने के लिए एक्स डायरेक्शन में आपको ऐसे आना पड़ेगा, उल्टे रिवर्स डायरेक्शन, ये मेरे पास माइनस एक्स हो गया, और वाई पर क्या होगा आपको नीचे बैक मतलब लोअर में आपको आना पड़ेगा, नीचे की तरफ ये होगा माइनस वाई। तो कॉम्पोनेंट क्या हुआ, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ये क्या हुआ माइनस वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ ये माइनस वन कॉमा माइनस वन। नाउ एफ, एफ क्या होगा, एफ हम इस वाले एज और इस वाले एज का एक कॉमन पॉइंट दैट इज मैं वी सिक्स को चूज करता हूं, तो वी सिक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास, वी सिक्स इज थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फोर। अब बात करते हैं डी की, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, तो निकालेंगे हम डी, डी तो हमारे पास है ही पहले से, डी कितना है फाइव कॉमा टू, निकालेंगे क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन माइनस एफ, तो P1 माइनस एफ, तो P1 के लिए कितने जीरो कॉमा टू माइनस F, कितना लिया मैंने थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फोर, ये कितना हुआ जीरो माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री कॉमा टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आया माइनस थ्री कॉमा माइनस टू। अब बात करते हैं W डॉट N की, W डॉट N कैसे निकलेगा, W की वैल्यू मेरे पास है माइनस थ्री कॉमा माइनस टू और एन मेरे पास कितना है माइनस वन कॉमा माइनस वन, तो माइनस वन कॉमा माइनस वन, ये डॉट प्रोडक्ट है, देखो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री ये कितना हो गया मेरे पास थ्री, और प्लस ये कितना माइनस टू इंटू माइनस वन ये कितना होगा मेरे पास प्लस का टू, तो प्लस का टू यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये कितना होगा मेरे पास फाइव। तो यहां पर आया मेरे पास डब्ल्यू डॉट एन इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, D डॉट एन निकालते हैं हम, तो D डॉट एन, तो D डॉट एन कितने कैसे निकलेगा, D डॉट एन का मतलब हो गया D इज 5 कॉमा टू और डॉट माइनस वन कॉमा माइनस वन, ये कितना हुआ देखो 5 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस फाइव, प्लस यहां पर 2 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू, ये हो गया माइनस टू, ये कितना हुआ मेरे पास माइनस के सेवन, यहां पर आया मेरे पास माइनस सेवन। ठीक है, तो माइनस सेवन, अब क्या है कि माइनस सेवन इज अगेन लेस देन जीरो, तो माइनस सेवन अगर लेस देन जीरो तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपर वैल्यू मिलेगी, टी की अपर वैल्यू मिलेगी, तो टी की लोअर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहां से निकालेंगे हम टी की अपर वैल्यू, ये होगा माइनस डब्ल्यू डॉट एन अपॉन डी डॉट एन। तो डब्ल्यू डॉट एन की वैल्यू कितने मेरे पास फाइव और डी डॉट एन की वैल्यू कितने मेरे पास सेवन, तो ये मेरे पास पहले से माइनस था, ये कितना हो गया फाइव अपॉन सेवन, ये हुआ मेरे पास फाइव अपॉन सेवन। करेक्ट, नाउ वी सिक्स वी सेवन, तो वी सिक्स वी सेवन के लिए फिर से आप निकालोगे फॉर एज वी सिक्स वी सेवन, तो वी सिक्स वी सेवन के लिए हमारे पास एन चाहिए, सबसे पहले एन इज इक्वल टू एन, देखो वी सिक्स वी सेवन क्या है हमारे पास, ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल वेक्टर होगा, इस केस में क्या है कि आप वाई के लिए यानी इसको ड्रॉ करने के लिए आप वाई पर तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हो लेकिन एक्स पर कोई मूवमेंट नहीं है, जब एक्स पर कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई नीचे की तरफ मूव कर रहे हो आप प्लस वाई सॉरी माइनस वाई डायरेक्शन में, तुम्हारे पास का ये माइनस वन होगा, तो जीरो कॉमा माइनस वन, जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक है, अब इसका जो कॉमन पॉइंट हमने वही चूज किया था थ्री कॉमा फोर, तो और ये मेरे पास 5 कॉमा टू पहले से पड़ा हुआ है, तो ये W भी मेरे पास क्या आएगा, W मेरे पास आएगा माइनस थ्री कॉमा माइनस टू। अब बात करते हैं W डॉट N की, तो W डॉट N, तो W कितना निकला मेरे पास, W है माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, माइनस थ्री कॉमा माइनस टू और डॉट N की वैल्यू कितनी है जीरो कॉमा माइनस वन, ये कितना निकलेगा कर लेते हैं माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन, ये कितना माइनस टू माइनस वन दैट इज प्लस टू, तो ये मेरे पास आ गया टू, तो ये हुआ हमारा टू। ठीक है, अब डी डॉट एन चाहिए, डी डॉट एन, तो डी डॉट एन कैसे निकलेगा, डी डॉट एन निकलेगा आपके पास डी इज फाइव कॉमा टू और ये है जीरो कॉमा माइनस वन, ये कितना निकलेगा फाइव इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस वन, ये कितना आ गया माइनस के टू आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास माइनस टू। अब देखो ये फिर से क्या हुआ लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो केस में क्या मिलेगा मुझे, ओके तो इट इज अभी क्या मेरे पास माइनस टू आया, तो माइनस टू अगेन लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो केस में क्या मिलेगा मुझे टी अपर वैल्यू, तो ये तो मिलेगा नहीं टी अपर मिलेगा, तो टी अपर इज इक्वल टू माइनस
डब्ल्यू डॉट एन अपॉन डी डॉट एन, तो माइनस डब्ल्यू डॉट एन कितना निकला था मेरे पास 2, और ये कितना निकला था माइनस 2, ये क्या होगा मेरे पास 1, यहां पर आ गया मेरे पास। ठीक, अब जो हमारे पास बाकी की दो है B7B8 को भी देख लेते हैं। B7B8 क्या है, B7B8 ये रहा, चलो इसको पहले मिटा देते हैं, B7 और B8, तो B7 B8 के केस में हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे होगा, तो यहां से नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे करके निकलेगा, इसको डाल देते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर ऐसे करके होगा। तो इस केस में हमारे पास इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन मूव करोगे प्लस एक्स से, और वाई डायरेक्शन में क्या मूव करोगे आप, ठीक है, ये हुआ आप मूव करोगे ऐसे, तो ये होगा प्लस एक्स, और ये ऐसे मूव करोगे तो होगा माइनस वाई, तो प्लस एक्स, यानी कि एन इज इक्वल टू कितना निकलेगा, प्लस एक्स और माइनस वाई, समझ में आया, देखो ये ऐसे मूव कर रहा हो, यानी कि एक्स डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा हो, और वाई पर क्या नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, वो माइनस वाई होगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1, -1, ये हुआ इसके लिए 1, -1, ठीक है। अब F चाहिए मुझे, F क्या होगा, F इस वाली एज और इस वाली एज का कॉमन पॉइंट हुआ मेरे पास V8, तो V8 की वैल्यू कितनी 1, 3, तो ये हमने लिया यहां पे 1, 3। अब चाहिए D, हमारे पास पहले से पता है 5, 2 है, तो W क्या निकलेगा, यहां से निकालो W, तो W इज इक्वल टू निकलेगा P1 - F, तो P1 कितना 0, 2 माइनस F, F की वैल्यू कितनी है, F इज F कितना भाई, F 1, 3, ये 1, 3, तो 0, -1 दैट इज -1 और 2, -3 दैट इज -1, सही है, 0, -1, -1, 2, -3 दैट इज -1, तो ये हो गया मेरे पास -1, -1, ये सही है, यस, -1, -1। अब क्या निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे डी, तो पहले से पता है डी निकला हुआ हमें चाहिए, डी डी पता है, अब डब्ल्यू डॉट एन चाहिए, तो डब्ल्यू डॉट एन, तो डब्ल्यू क्या -1, -1 डॉट एन की वैल्यू कितनी है, एन हमारे पास 1, -1, देखो तो -1, -1 दैट इज -1 और -1, -1 +1 हो गया, तो ये हो गया +1, ये हो गया मेरे पास 0, तो यहां से हमारे पास आया डब्ल्यू डॉट एन की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, डब्ल्यू डॉट 0 होना चाहिए डी डॉट एन, तो डी डॉट डी कितना 5, 2 और एन की वैल्यू कितनी है 1, -1, ठीक है, तो 5, तो ये क्यों 5 × 1 प्लस 2 × -1, ठीक है, ये कितना निकला 5 और -2 ये कितना आया 3, तो ये हुआ मेरे पास 3। अब क्या है कि 3 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा, मेरे पास अपर वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा लोअर वैल्यू मिलेगी, तो यहां से निकालेंगे हम T लोअर इज इक्वल टू -W·N/D·N, ये कितना हुआ माइनस, W डॉट एन कितना है, W डॉट एन इज इक्वल टू 0 अपॉन कुछ भी हो, T डॉट एन कितना निकलेगा मेरे पास 3, ये निकलेगा मेरे पास 0, ये हुआ मेरे पास 0। अब बचा V8V1, यानी कि ये वाली एज का हमारे पास एन कितना होगा, इसको मिटा देते हैं पहले, V8V1, तो यहां पे हमारे पास एन की वैल्यू किस निकलेगी, देखो ये एज है, इसको हटा दो पहले, तो हमारे पास ऐसा कुछ करके होगा, इस यहां पे क्या हो रहा है, आप एक्स पर आगे मूव कर रहे हो मगर वाई की वैल्यू कुछ भी 0 है, एक्स पर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लस एक्स, यानी प्लस एक्स का मतलब है 1 और कॉमा वाई कितना, वाई कुछ नहीं, वाई दैट इज 0, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आई 1, 0। अब ये एफ, एफ को हमने लिखा 1, 3, कोई कॉमन पॉइंट था 5, 2 मेरे पास निकला हुआ है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू ऐसी कर गई 1 - ये ऐसे कर गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू, डब्ल्यू निकाल चुके हैं, हमें क्या डब्ल्यू डॉट एन चाहिए, तो डब्ल्यू डॉट एन की वैल्यू कितनी निकलेगी, W कितना है, W इज -1, -1, -1 और डॉट n कितना है 1, 0, ये कितना निकलेगा -1 × -1 दैट इज -1 और प्लस कुछ नहीं है, तो ये मेरे पास -1 ही है, ये हुआ -1, ठीक है -1, और उसको हमें क्या W डी डॉट एन चाहिए, डी डॉट एन, तो डी डॉट एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी क्या 5, 2 और डॉट n कितना है 1, 0, ये कितना निकलेगा 5 × 1 5, वो 0 तो हमारे पास 5 ही बचेगा,
ये हुआ मेरे पास 5, 5 क्या, 5 इज ग्रेटर देन 0 तो अपर वैल्यू मिलेगी नहीं, इसको मैंने डैश कर दिया, क्या मिलेगा मुझे लोअर वैल्यू मिलेगी, लोअर का मतलब निकालो यहां से भाई, TL, TL कितना निकलेगा माइनस W डॉट N अपॉन D डॉट N, तो W डॉट N की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन D डॉट N कितना है 5, कितना है मेरे पास ये माइनस ये हुआ आपके पास 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब क्या है कि ये मेरा पूरा का पूरा चार्ट फिल हो गया, तो चार्ट फिल होने के बाद करना क्या आपको करना ये है कि अब आपको जो टी की लोअर वैल्यू निकली है यानी कि ये वाली हमारे पास कितनी लोअर वैल्यू, 1, 2, 3 और 4 लोअर वैल्यू निकली और टी अपर के हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये अपर, ये तो काउंट ही नहीं करेंगे, बचा हमारे पास केवल 3 वैल्यू मिली है। अब इसमें से मुझे करना ये कि जो जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं तो लोअर लिमिट्स का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है मैक्सिमम, अब हमें निकालना पड़ेगा मैक्सिमम ऑफ टी लोअर लिमिट्स वैल्यूज इक्वल टू मैक्स ऑफ, कौन कौन सी वैल्यू जिसके पास है 1 बाई क्या टी लोअर ना, तो 1/7 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/5 ये निकलेगा मेरे पास 1/5 ठीक है। अब हमारे पास चाहिए मिनिमम ऑफ टी अपर वैल्यू, ये क्या होगा मिनिमम ऑफ कितना है हमारे पास 4/3 तो काउंट ही नहीं करेंगे 4/5 कॉमा 5/7 कॉमा 1, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कितनी मेरे पास है 5/7 ठीक है। तब मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मेरे पास 2 एक्सट्रीम वैल्यूज लिमिट वैल्यू मिली मेरे को जो टी पैरामीटर है, जो एक एंट्रिंग के लिए है नियर टू दी मतलब नियर टू दी P1 फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दूसरा क्या मिला मेरे को नियर टू दी लास्ट एंड पॉइंट ठीक है। तो हमारे पास मान लिया जाए कि ये मेरे पास पॉइंट है आई डैश और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे पास आई डबल डैश, तो मुझे क्या करना है आई डैश और आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम देखो, अब आप याद रखो सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम उसमें क्या लिखा हुआ था कि इफ यू हैव फाउंड दैट कि द मैक्सिमम ऑफ लोअर लिमिट और मिनिमम ऑफ टी अपर लिमिट, इसको निकालने के बाद इन दोनों को उठाए कहां पर रखना है, इन दोनों को रखना हमें लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन में, सो लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट आई डैश एंड आई डबल डैश ठीक है। तो आई डैश मेरे पास होगा x1 x डैश एंड y डैश और आई डबल डैश होगा x डबल डैश एंड y डबल डैश ठीक है। तो यहां पे पुट द वैल्यूज ऑफ TL एंड TU, मैक्सिमम ऑफ TL एंड मिनिमम ऑफ TU इन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन एस, तो मेरे को मुझे क्या मिलेगा क्योंकि मुझे पता है पी ऑफ टी इक्वल टू P2 - P1 था, तो अगर मैं यहां पे पहले रखूंगा टी एल की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ टी लोअर रखूंगा तो मुझे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा कौन सा I1, तो फॉर आई डैश पुट T is equal to TL, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये देखो पहले मैं x का कॉम्पोनेंट निकालू तो x का कॉम्पोनेंट कैसे निकलेगा x डैश इक्वल टू x1 + T की जगह पे जाएगा TL और TL की जगह पे क्या रखूंगा मैं TL कितनी वैल्यू लिखी थी 1/5 यानी तो मैं पहले TL into P2 - P1 हो गया डेल्टा x हो जाएगा ये, तो ये कैसे निकलेगा x1 की वैल्यू कितनी निकली थी x1 कितना मेरे पास x1 is 0 प्लस TL की वैल्यू कितनी है 1/5 और मतलब x2 - x1 डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 5 - 5 - 0 तो ये निकलेगा मेरे पास इनटू 5 ये हो गया तो 5 टू 5 कट गया तो मेरे पास कितना निकला ये 0 ठीक है।
जीरो निकलेगा, कुछ गड़बड़ हो गया, फाइव फोर वन आएगा, यहाँ से फाइव नंबर ये आपके पास आएगा वन, तो ये निकलेगा मेरे पास वाई डैश इज इक्वल टू निकलेगा वाई वन प्लस टी एल टी एल डॉट डेल्टा वाई, ये क्या निकला वाई वन कितना है, वाई वन इज टू, टू प्लस वन बाई फाइव, और डेल्टा वाई कैसे निकलेगा फाइव सॉरी फोर माइनस टू, तो ये मिलेगा मेरे पास टू, डेल्टा वाई कितना लेगा फोर माइनस टू दैट इज टू, ये क्या हो गया मेरे पास फाइव बाई टू, तो फाइव सॉरी टू बाई फाइव, तो यहाँ से फाइव टू द टेन ट्वेल्व बाई फाइव आएगा, कितना हुआ ये टू प्लस फाइव हो जाता है टू पॉइंट फोर आएगा, करेक्ट 2.4, तो मेरे पास आई डैश की वैल्यू हो गई 1.2.4। अब फॉर आई डबल डैश, तो आई डबल डैश मेरे पास क्या आएगा एक्स डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकाल देता हूं, तुम्हारे पास क्या है एक्स वन प्लस टी अपर और ये रहा डेल्टा एक्स, ये क्या निकलेगा एक्स वन इज इक्वल टू जीरो प्लस टी अपर कितना फाइव बाई सेवन, फाइव बाई सेवन इंटू डेल्टा एक्स कितना निकला था मेरे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइव, ये हो जाएगा मेरे पास ट्वेंटी फाइव बाई सेवन, तो ट्वेंटी फाइव बाई सेवन कितना निकलेगा थ्री पॉइंट फाइव फाइव सेवन कितना है, एंड वाई डबल डैश क्या निकलेगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई वन प्लस टी यू इन टू डेल्टा वाई, ये होगा मेरे पास वाई वन कितना है वाई वन इज टू प्लस फाइव बाई सेवन इन टू टू, ठीक है ये हमारे पास टू था, ये कितना निकला टू पॉइंट वन फोर आएगा, टू पॉइंट वन फोर, तो हमारे पास I डबल डैश कितना निकला थ्री पॉइंट फाइव सेवन कॉमा टू पॉइंट वन फोर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकल गई I डैश और I डबल डैश, क्या करना है इसके पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट ऑफ द लाइन उस फॉर्मुले से निकालने में आपको ये पता लगेगा कि वॉट पोर्शन ऑफ द होल लाइन पी वन पी टू इज विजिबल टू द डिस्प्ले रूटीन विजिबल टू द यूजर, तो सिंपली जो पोर्शन निकल गया है उसको सीधे सीधे किस पर प्लेस कर दीजिए आप डिस्प्ले रूटीन को डाल दीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हाउ कैन वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल यूजिंग सारसबर्ग लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में फिर भी कुछ ना आए तो अल्टीमेटली यू कैन कॉल मी, अदरवाइज यू कैन टॉक टू मी विद कमेंट सेक्शन, ठीक है।